देश की बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करके मांगा था जवाब। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को खारिज कर दी थी जमानत याचिका। 20 मई तक बढ़ाई गई अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ाई गई। राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश हुई की कविता। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में धांधली का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा कोर्ट। लैंडफॉर जॉब मामले में आरोपी अमित कात्याल की अर्जी पर सुनवाई। जमानत याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अपहरण केस में गिरफ्तार एचडी रेवन्ना की बेल पर आज सुनवाई। एसआईटी ने महिला के अपहरण के केस में किया था एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार। महिला के अपहरण और बंधक बनाने का आरोप। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर पर शिकंजा। ईडी को पूछताछ के लिए 13 मई तक का समय मिला। छापेमारी में ईडी को मिला था कैश और दस्तावेज। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अब्बास ने अपने पिता के 40वें में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आने के लिए अर्जी लगाई। और चलिए अब तमाम राज्यों से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछले साल 1 नवंबर से लेकर अब तक जंगल में आग की 910 घटनाएं सामने आई हैं। 1145 हेक्टेयर जंगल को नुकसान। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग बुझाने का काम जारी है। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में लगी आग को बुझाते नजर आ रहे हैं वनकर्मी। पानी की बौछार और दूसरे तरीकों से बुझाई जा रही है आग। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर अहम बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए बातचीत हुई है। आग पर जल्द काबू पाने के लिए चर्चा हुई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर शासन सख्त है। जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 13 FIR में 6 लोग चिन्हित किए गए। सोशल मीडिया पर सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने आरोपी शमीम उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी के कब्जे से मिले 3 देसी बम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था आरोपी का वीडियो, जिसके बाद एक्शन में आई थी पुलिस। मध्य प्रदेश के मंडला में हादसा। एक साथ 3 दुकानों में लगी आग। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगने से दुकानों में रखा सामान हुआ खाक। जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में तेंदुए का आतंक। गार्ड पर हमले के बाद एक घर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को किया ट्रैकुलाइज। 1 घंटे तेंदुए के साथ खौफ में बैठा रहा परिवार। 10 मई से शुरू होने जा रही है केदारनाथ धाम की यात्रा। अपने सफर पर निकली बाबा की उत्सव डोली। डोली के साथ उमड़ा आस्था का जन सैलाब। पाटा पहुंचने पर लोगों ने डोली पर की पुष्प वर्षा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।